देश और प्रदेश में आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही है। जिले में शांति व्यवस्था के लिए हर जगह मॉक ड्रिल अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी गंभीर घटना से निपटा जा सके। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चुस्त है, क्या कमियां हैं और भविष्य में ऐसा न हो इसका ख्याल रखा जाता है। इसलिए भंडारा जिले के सिहोरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया चौक पर शुक्रवार दोपहर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। सूचित करने देते कि आपन कृपया थोड़ा दूर चले जावे, स्वतःचा जीव वाचवावे, आपन पोलिसांना सहकार्य करावे। वास्तविक अनुभव आज दोपहर 3 बजे सिहोरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुआ। बैंक डकैती के बाद नागरिकों और खाता धारकों को सुरक्षा उपायों का अनुभव कराने के लिए सिहोरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा उपायों की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। खाता धारकों को मॉक ड्रिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भोजनावकाश होने के कारण अधिकांश खाता धारक बाहर बैठे थे। अचानक बम फट गया। खाता धारक सन्न रह गया और पड़ोस का व्यापारी बैंक की ओर भागा। चिंगारी और बंदूक से लैस एक लुटेरा भीड़ में से 3 अन्य लुटेरों के साथ बैंक में दाखिल हुआ। खाता धारकों और बैंक कर्मियों को बंधन बना लिया गया। जैसे जैसे लुटेरों के मुंह से धमकियां आने लगी, भीड़ भी बढ़ने लगी। वे पूछने लगे कि बैंक में क्या हुआ। उसी समय पुलिस की एक गाड़ी आ गई। नागरिकों को अपने जीवन की रक्षा करने की सलाह दी गई। पुलिस की भीड़ बढ़ गई। अनेक नागरिकों को सत्य का अनुभव हुआ। उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव बैंक में आ पहुंची। सिहोरा पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश गोसावी बार बार नागरिकों को हिदायत दे रहे थे तो नागरिक भी उत्साहित थे। सूचित करने देते कि आपन कृपया थोड़ा दूर चले जावे, स्वतःचा जीव वाचवावे, आपन पोलिसांना सहकार्य करावे। फायर ब्रिगेड पुलिस कर्मचारी 4-5 काफिलों के साथ दाखिल हुई। अस्पताल की गाड़ी आ गई, कमांडो आए। खाके की छवि हर तरफ महसूस की गई। पुलिस लुटेरों के निर्देशों का पालन कर रही थी। हम यहाँ से निकल जाने के बाद छोड़ देंगे आप। हमारा मकसद था बैंक लूटना, हमें हमारे बच्चों को बचाना है। और पैसे मिल गए, हमको यहाँ से सही सलामत पहुँचाने का प्लान कीजिए। बस हम किसी को यहाँ मांगने आए हैं नहीं, लेकिन आपने कुछ होशियार नहीं किया तो हमें एक कमरे करेंगे। पुलिस और कमांडो की एक टीम बैंक में दाखिल हुई। यह मॉक लगभग 1 घंटे तक चला। सिहोरा में पहली बार बैंक में मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस और कमांडो ने बैंक लुटेरों को हिरासत में लिया। जब मॉक ड्रिल चल रही थी, नागरिकों की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे ने भूमिका निभाई। पुलिस विभाग की ओर से बैंक में लुटेरे के घुसने के बाद सुरक्षा के क्या उपाय किए जाते हैं, इसका प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित थे। पुलिस स्टेशन सिहोरा अंतर्गत बॉर्डर पुलिस स्टेशन होने के वजह से मॉक ड्रिल लिया है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ एमपी पुलिस। सो भंडारा पुलिस एंड मध्य प्रदेश का पुलिस के कोऑर्डिनेशन से बैंक ऑफ इंडिया में टेररिस्ट अटैक अगर होता है तो कैसे पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पांस होना चाहिए और टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है एंड पूरा पुलिस फोर्स का जितने भी यूनिट्स है फ्रॉम BDDS फिंगरप्रिंट यूनिट टू मेडिकल यूनिट टू डॉग स्क्वाड और मेनली अपना QRT मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम एंड RCB लाइव कंट्रोल टीम, ये सब का कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल पुलिस का होता है, पुलिस स्टेशन सिहोरा का इंचार्ज एंड उनका स्टाफ एंड ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस का जो बॉर्डर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एंड स्टाफ, इनका क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हमने लाइव आज मॉक ड्रिल लेके डेमोन्स्ट्रेट करके विथ सक्सेसफुल रिजल्ट्स फॉर द अपकमिंग इलेक्शन जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसका तैयारी निमित्त हमने आज
प्रमोटर लिया है और उसका सुपरवाइजरी रोल में मैं एज एएसपी तुमसर डिवीजन आज इधर मौजूद हूँ। थैंक यू। एनबीसीएन न्यूज के लिए सिहोरा से रंतेन निमा की रिपोर्ट।